अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बना रहे हैं एक वायरल चॉकलेट डिज़र्ट की रेसिपी जो बहुत इजी है, और इसको मैंने मॉडिफाई किया है और इसके मेजरमेंट्स को थोड़ा इजी किया है आपके लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में हम ऐड करेंगे 1.5 कप के करीब दूध। इस रेसिपी के लिए हमें टोटल 2 कप दूध की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल हम 1.5 कप दूध इस पैन में ऐड कर देंगे, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप चीनी। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम चीनी बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है 1 चुटकी नमक। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इनको बॉयल होने के लिए रख देंगे। अब दूसरी तरफ मैंने एक बॉल ले लिया है, जिसमें मैं ऐड कर दूंगी बचा हुआ 1/2 कप दूध, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम सिफ्ट करते हुए या छानते हुए 2 टेबलस्पून के करीब कोको पाउडर। तो हम इसे छान इसलिए रहे हैं ताकि जो हम मिक्सचर बनाएंगे उसमें किसी भी किस्म के लम्प्स ना आएं। कोको पाउडर और दूध को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहें। इसके लिए आप विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब ये जाएगा सीधा हमारे दूध में जिसे हमने गर्म होने के लिए रखा था, और साथ ही हम बॉल में भी जो मिक्सचर हमारा बच गया है उसे साफ़ कर लेंगे। इसे भी दूध में ऐड कर देंगे और आंच को मीडियम टू लो रखेंगे। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम्स डार्क चॉकलेट ली है जो कि स्वीट है, इसको भी मैंने चॉकलेट मिक्सचर में ऐड कर दिया है, और इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे जब तक कि चॉकलेट मेल्ट हो जाए और कोई भी लम्प्स ना रहें। अब यहाँ पर ये बिल्कुल हॉट चॉकलेट है और बहुत ही मज़े की है, आप इसे ऐसे भी पी सकते हैं। इस पॉइंट पर अगर आप इसमें शुगर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो टेस्ट करके कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक छोटे से बाउल में 2 टीस्पून के करीब जेलेटिन पाउडर ऐड किया है। ये किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से या सुपरमार्केट से आसानी से मिल जाता है, जहाँ पर जेलीज वगैरह रखी होती है ना, बस ये वहीं पर होता है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिलहाल तो मैंने 2 टीस्पून जेलेटिन पाउडर लिया है। हर कंपनी का टेक्सचर डिफरेंट होता है, तो हो सकता है कि आपको 3 या 4 टीस्पून भी ऐड करने पड़े। इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसके अंदर जो दाना है वो ख़त्म हो जाए, और इसे भी हम अपने हॉट चॉकलेट मिक्सचर में ऐड कर देंगे और फ्लेम को लो रखेंगे और कॉन्टीन्यूसली चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि लम्प्स ना बने और एक जैसे टेक्सचर में हमारा मज़ेदार सा डिज़र्ट तैयार हो जाए। अब ये थिक हो गया है, इसके लिए मुझे 4 से 5 मिनट लगे हैं, तो अब हम इसे बंद कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक दूध का खाली कार्टन लिया है जिसे मैंने अच्छे से धो लिया था। अब इसमें पोर कर देते हैं अपना मज़ेदार सा चॉकलेट डिज़र्ट या चॉकलेट पुडिंग, और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे रख देंगे फ्रिज में। अगर सर्दियां हो तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन आजकल चूंकि बहुत गर्मी है तो मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी और 2 से 3 घंटे के लिए इसको जमने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जम गया है, तो मैंने इसे कैंची से कार्टन को काट लिया था और इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है, बहुत ग्लॉसी और बहुत चॉकलेटी डिज़र्ट है। इसके ऊपर मैंने डाल लिया है कोको पाउडर, और साथ ही स्प्रिंकल कर दूंगी कोकोनट पाउडर। तो ये रेसिपी इंस्पायर्ड है एक जर्मन चैनल की वायरल वीडियो से, जिसे यूट्यूब पर अभी तक मिल चुके हैं 21 मिलियन व्यूज़, जिसके मेजरमेंट्स को मैंने थोड़ा इजी करके और मॉडिफाई करके आपके लिए बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसका टेक्सचर इतना स्मूथ है कि जैसे ही आप इसे मुंह में रखेंगे ना, ये बिल्कुल घुल जाएगा। बहुत ही टेस्टी है, और ख़ास तौर पर जिन लोगों को चॉकलेट पसंद है उन्हें तो ये डिज़र्ट बहुत ही पसंद आने वाला है। बहुत ही आसान है बनाना, और लुक बिल्कुल एक प्रीमियम चॉकलेट डिज़र्ट की देता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।